हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और ये वीडियो जो आप देख रहे हो 17 नवंबर का है और सुबह का टाइम है, सुबह के 8 o'clock हो रहे हैं। इस समय तो शायद 7:30 के करीब में हो रहा है और गुड्डू नहीं है, गुड्डू बाहर जा चुके हैं और आज उनके साथ चाय नहीं पी पाई थी मैं। गुड्डू को चाय दे दी थी लेकिन खुद नहीं बनाई थी मैं, तो अभी वही खुद के लिए मैं नींबू पानी बना रही हूँ। नींबू पानी और हनी, ये तो मेरा मतलब डेली का, आप जब से मेरे आप सब मेरे फैमिली मेम्बर हो तो आप सबको पता है कि मैं इसके बगैर तो मेरा सुबह होता ही नहीं है। तो अभी मैं वही पानी गर्म करके पी रही हूँ और उसके बाद जो है खुद के लिए एक कप चाय बनाऊँगी। सुबह का एक कप चाय या दो कप चाय अगर गुड्डू के साथ पी लेती हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज नहीं पी पाई हूँ। गुड्डू का जल्दी जल्दी जाना था तो अभी मैं आ रही हूँ, पानी पी चुकी हूँ और अभी मैं आ रही हूँ किचन में चाय बनाने के लिए खुद के लिए। अंशु गोल्डी सो रहे हैं क्योंकि 18th से अंशु का ऑनलाइन क्लास शुरू होने वाला है, गोल्डी का 19th से शुरू होने वाला है ऑनलाइन क्लास, तो इस समय दोनों इंजॉय कर रहे थे और दीपावली की जो थकान थी ना वो उतनी जो है वो ख़त्म नहीं हुई थी। गुड मॉर्निंग, सुबह की चाय आप लोगों को मुबारक हो। मेरे हाथ से चाय लीजिए, चुस्के लीजिए। आज अकेले चाय पी रही हूँ, गुड्डू नहीं है, कहाँ गए हैं वो सब आगे बताती हूँ। अभी सुबह के बज रहे हैं 8 o'clock और मैं अभी चाय पीते पीते जा रही हूँ श्वेता के साथ थोड़ा बात करने के लिए। जो लोग नए मेरे चैनल पे नए हैं उनको नहीं पता होगा, श्वेता मेरी छोटी देवरानी का नाम है। मीरा नहीं है आज, मीरा छुट्टी पे है और गुरु अभी जस्ट आए हैं, मतलब हाफ एन आवर पहले आए हैं। तो नाश्ता हो चुका है, आज नाश्ता लेट हुआ है, 1:15 नाश्ता हुआ है क्योंकि जो दीपावली की थकावट थी ना आज जा कर के थोड़ी कम हुई है। अब मैं जा रही हूँ लंच बनाने, बड़ा कंफ्यूज थी। चार आइटम गुड्डू को बताई हूँ और चारवा आइटम गुड्डू बोले हैं कि हाँ कुछ भी बना दो और फिर बार बार मैं उस आइटम को चेंज कर दूँ, तो गुड्डू बोले तुम आइटम पूछ रही हो चेंज करो। उनके यहाँ पूछ रहे, लेकिन जब फ्रिज खोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ दिख जा रहा है तो उसके हिसाब से आइटम चेंज कर दे रही हूँ। बहुत कुछ सोची हूँ लेकिन फाइनली सोची हूँ कि दिन में बना रही हूँ मूंग दाल पूरी और आलू टमाटर की सब्जी और रात में बना रही हूँ मैं चावल और केला की सरसों वाली सब्जी। तो अभी फटाफट जो है आलू टमाटर की सब्जी बनाते हैं, ठीक है। और मैं विनोद के पीछे एकदम पड़ गई हुई हूँ, विनोद में मुझे बनाने में बड़ा मज़ा आ रहा है, विनोद कुकवेयर से। तो चलिए किचन में चलते हैं और विनोद में सब्जी पकाते हैं, ठीक है। आ गई हूँ किचन में, ये है विनोद, तड़ा। सैंडविच बॉटम 3 layer, इसमें आराम से 6 लोगों का आप सब्जी बना सकते हो, 6 से 7 लोगों का। बस वो ड्राई फ्राई जो भाजी होता है ना उसमें परेशानी। जैसे आप सबको पता है मूंग दाल पूरी बना रही हूँ, आलू टमाटर की सब्जी है और खीर है। तो जो खीर जो है वो भाई दूज के दिन बनाई थी, तो वो खीर जो था तो मैं बोली मूंग दाल पूरी बना देती हूँ तो साथ में जो है वो भी हो जाएगा। तो ये जो आलू टमाटर की सब्जी है ये हमारी फैमिली में सबको पसंद है, सिंपल है। रिफाइन या राई तेल डालो आप, उसके अंदर जीरा और लाल मिर्च का तड़का डालो, उसके बाद आप जैसे 5 लोगों के लिए अगर आप ये सब्जी बना रहे हो तो बॉयल जो है आपको आलू तकरीबन अपने अंदाज से ले लो और 3 से 4 आपको टमाटर लगना है। कितनी दूर अब, कितनी दूर है ओ प्रभु तेरा गाँव हो, नाम लिए तो अपने लगे तुम, ला 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 तेरा नाम हो। जरा देख दे, दे, दे।
मन भर माए नैना बांधी रे जाएगा गुजर गाड़ी हाँ कर दे। सबको पता है तमाम, मैं गाना का पोस्टमार्टम कर रही हूँ और गोल्डी सोई हुई है इसलिए मैं उल्टा पुल्टा गाना गा रही हूँ। मुझे गाना सब गाना है लेकिन कोई भी गाना मुझे पूरा आता नहीं तो टांग तोड़ते रहती हूँ। अभी मैं केला की सब्जी का सब कुछ कर रही हूँ। कच्चा केला है उसको आपको ऊपर का छिलका हटा करके आप उसको थोड़ा लंबा लंबा आपको कट कर लेना है। उसके अंदर नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल करके उसको छोड़ देना है। उसके बाद इसको आपको डीप फ्राई कर देना होता है, बहुत पहले भी इसका मैं बता चुकी हूँ। और उसके बाद डीप फ्राई करने के बाद जो राई ले लो आप, राई और उसके अंदर थोड़ा मतलब मस्टर्ड ऑयल, उसके अंदर राई, लाल मिर्च सूखा और जो येलो मस्टर्ड होता है उसका पेस्ट आप बना लो। उसके बाद उसके अंदर डाल के हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर डाल करके उसका अच्छे से आप मसाला भून लो। जब वो ग्रेवी मतलब वो मसाला भून जाता है तो थोड़ा सा ग्रेवी डाल करके और उसके बाद ये जो आप फ्राई किए हो बनाना वो डाल दो तो यम्मी बन जाता है। अभी देख रहे हो आप आलू टमाटर की सब्जी बना रही हूँ और वो मेरा बहुत सिंपल हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और गर्म मसाला पर ही बनता है। तो ये सब्जी जो है मेरा बनके जो है वो रेडी हो गया। ये कढ़ाई ऐसा है ना, ये मुझे बनाने में बहुत अच्छा लग रहा है और ये ऐसा सब्जी है ना कि जो मतलब हेल्दी है। ये ऐसा नहीं है कि इसमें आप बहुत मसाला डाले हो तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, और 10 मिनट भी नहीं लगता और ये सब्जी बनके रेडी हो जाता है। इसके अंदर आपको बॉयल आलू लगता है। आज अभी सुबह सुबह निकली हूँ, कहाँ जाने के लिए वो सब बताऊँगी। मैं पीछे गोल्डी अंशु नहीं है, सिर्फ मैं और गुड्डू हैं जा रहे हैं अभी। कहाँ जा रहे हैं वो सब डिटेल में बाद में आप बताऊंगी, मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। अभी जा रहे हैं जहाँ जाना है वहाँ। इयरिंग नहीं पहन रही हूँ मैं, मास्क में इयरिंग ना वो फंस जाता है, पता नहीं क्यों मुझे अनइजीनेस लगता है, इसलिए इयरिंग एकदम बंद ही कर दी हूँ। मतलब जब बाहर निकलती हूँ तो इयरिंग पहनती ही नहीं, मुझे लगता है मेरा ईयर कट जाएगा। उससे बेटर है कि भैया प्रिकॉशन इयरिंग मत पहनो, ऐसे भी मास्क है तो क्या करना है। सामने मंदिर था प्रणाम करना तो बनता है ना। अभी पहुंच जाऊंगी 10 मिनट्स में। सुबह का टाइम है ना, अभी सुबह के जब घर से निकली थी तो 9:00 फुल हो रहा था, अभी 9:15 या 9:20 हो रहा होगा। अंशु खुश है। अंशु क्यों खुश है? मैं घर पे नहीं हूँ फिर भी अंशु खुश है, क्योंकि मैं बोली हूँ कि मैं लंच टाइम तक नहीं आ पाऊँगी तो मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दूँगी, तो बहुत खुश है वो पिज़्ज़ा होके। गोल्डी को कोई बहस नहीं है, वो 2 दिन बहुत खाई है। उसको मैं बोली थी डाइट अभी बंद करो, अभी फेस्टिवल में डाइट खाना बंद करो, जो बना रही हूँ वो खाओ, क्योंकि फेस्टिवल हर रोज़ नहीं आता है। आज से वो अपना डाइट करेंगी तो उसको कोई बहस नहीं है पिज़्ज़ा वगैरह से। अंशु हैप्पी है। चलिए थोड़ी देर के बाद बात। अभी निकली हूँ और कहाँ गई थी, श्वेता हॉस्पिटलाइज है मेरी देवरानी, तो इसके लिए हॉस्पिटल आई थी। अभी उससे मिल करके अभी 4:30 हो रहा है, अभी उससे मिल करके अभी निकली हूँ और अभी घर जा रही हूँ। घर जाती हूँ उसके बाद डिटेल में बात करती हूँ कि क्या हुआ था और क्या। अभी गुड्डू गए हुए हैं नीचे और मैं बोली हूँ मुझे मेरे लिए थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं क्रीम रोल, मुझे क्रीम रोल बहुत पसंद है, तो गुड्डू को बोली हूँ कि थोड़ा सा क्रीम रोल लेके आ जाइए। मोबाइल यहाँ पे ही छोड़ के चले गए हैं गुड्डू। गुड्डू क्रीम रोल लेने गए और
गोल्डी को आज सुबह से मैं घर पे नहीं हूँ तो गोल्डी बहुत बोर हो रही है, कह रही है मम्मा जल्दी आ जाओ, तुम्हारे बिना घर तो एकदम काटने को दौड़ रहा है। मैं बोली कि बेटा तुम्हें तो हैप्पी होना चाहिए कि मम्मा नहीं है तो इंजॉय कर रही हो। नहीं मम्मा, सुबह से कोई डांटने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, नहीं तो तुम सुबह से बोलते रहती हो गोल्डी ये करो, गोल्डी वो करो, गोल्डी वो करो, वो करो, लेकिन एक बार भी कोई बोला नहीं है। श्वेता जहांगीर हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज है और मैं अभी जस्ट अभी जहांगीर से निकली हूँ और मैं गुड्डू को बोली हूँ कि डीएम रोड होते हुए लेके चलने के लिए, यानी ढोले डीपी रोड, सॉरी डीएम रोड बोल रही हूँ, डीपी रोड ढोले पाटिल रोड, और इससे लेते हुए चलने के लिए, ताकि थोड़ा सा डीपी पाटिल रोड में, जो पुणे में है उनको पता होगा, थोड़ा सा गणेश जी का बहुत अच्छा ढोले पाटिल गणपति मंदिर है, उनका दर्शन करते हुए चली जाऊँगी। श्वेता का ऑपरेशन होने वाला था तो थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, तो जाते जाते थोड़ा सा बोलते कुछ गई थी, तो आते आते गणेश जी को थैंक यू तो बोलना बनता है ना, अच्छे से उसका ऑपरेशन हो गया है सब कुछ। उसका हॉर्निया का ऑपरेशन था श्वेता को, और नेक पे उसके यहाँ पे ग्लैंड था तो उसका भी उसका ऑपरेशन था, तो दोनों ऑपरेशन अच्छे से हो गया और तीन घंटे का ऑपरेशन था तो दोनों हो गया उसका। वो आ गई है रूम में आ गई है, उसके बाद जब वो हाफ एन आवर ठीक अच्छा फील थोड़ा करने लगी, वैसे 100% तो अच्छा फील वो इतनी जल्दी, तो जो एंथीसिया दिया गया इतनी जल्दी तो पूरी तरह से जाएगा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जब ठीक हो गई है तो मैं और गुड्डू निकल गए, क्योंकि सुबह से घर पे नहीं थे, वही सब है। गुड्डू आ गए, गुड्डू आपका मोबाइल रिंग कर रहा था, आपका मोबाइल रिंग कर रहा था, ये है क्रीम रोल, मैं दबाऊंगी क्रीम रोल, आप भी खाइए क्रीम रोल, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, फैट होता है, आजकल मोटापा अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी है।